आज से सावन का पावन पर्व शुरू हो गया है। ये पूरा महीना शिव के भक्तों का माना जाता है। शिव भक्त अपनी अपनी भक्ति में लीन होकर अपने आराध्य भोले शंकर की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं पूरे सावन मास खास तौर पर प्रत्येक सोमवार को भक्त शिव मंदिर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग का दूधाभिषेक और जलाभिषेक भी करते हैं। साथ ही आज आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जो अति प्राचीन है और यहाँ पूरे सावन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। तस्वीरों में दिख रहा ये शिवलिंग अति प्राचीन है और शिव की आस्था का ये भव्य श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित है नवाबों के शहर लखनऊ के लाल कुआं भेड़ी मंडी में और इस मंदिर की स्थापना 1645 में की गई थी। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में साल के सभी 365 दिन श्रद्धालु रुद्राभिषेक करते हैं और विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं और इस मंदिर के संस्थापक 108 दंडी स्वामी देवानंद सरस्वती महाराज जी हैं। वहीं इस मंदिर में कई ऐसे छोटे छोटे शिव भक्त भी आते हैं जो यहां शिव भक्ति के साथ साथ शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करते हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने इन बच्चों से भी खास बातचीत की है। सुनिए। सावन माह का पर्व चालू हो रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे योगी आदित्यनाथ द्वारा जो भी पूजा पाठ और समय समय पर संस्कृति काम करते हुए नज़र खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। इस समय हम सेंट्रल जोन के एक मंदिर में खड़े हैं जिसका नाम महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि लखनऊ के भेड़ी मंडी में स्थित है और यहाँ की विशेषता यह है कि ये लगभग 1645 ईस्वी की बनी हुई शिवलिंग है और यहाँ पर विद्या भी है। यहाँ छोटे बच्चे आते हैं और शुरुआत से यहाँ अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा करते हैं। आइए इनसे खुद जानते हैं कि किस तरीके की सावन में तैयारियाँ की गई हैं। मेरा नाम आचार्य कमल किशोर पांडे है। मैं यहाँ पे शिक्षा अध्ययन किया हूँ बचपन से और अब यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना और हमारे गुरु जी हैं श्री देवेंद्र सरस्वती जी महाराज दंडी सन्यासी हैं, उन्हीं के सानिध्य में सारे बच्चों का पालन पोषण पूजा पाठ बच्चों का यहाँ पे ब्राह्मणों के का सब होता है। और वैसे तो हमारे यहाँ 12 महीने रुद्राभिषेक वगैरह अनेक प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। सुबह 4 बजे से और नित्य का जो पूजन है 4 बजे से 7 बजे तक का, उसमें भक्तों का आना जाना 7 बजे के बाद से भक्तों का सभी आना जाना रहता है रहेगा और इसके बाद में पूरा दिन मंदिर खुला रहेगा। बीच में जो लोग श्रद्धालुओं जो रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं उनका आना जाना रहता है। सोमवार को विशेष होता है और सामूहिक रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन के रूप में होता है हमारे यहाँ। तो इसमें श्रद्धालु भी लगातार संख्या बढ़ जाती होगी? श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहती है। सोमवार को कुछ विशेष श्रद्धालु मतलब की संख्या में रहते हैं, ज़्यादा की संख्या में रहते हैं क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम चलते हैं तो उसमें अधिक से अधिक मात्रा में श्रद्धालु आना जाना रहता है। वहीं इस भव्य श्री महाकालेश्वर मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी मूर्ति है, साथ में माँ सीता श्री राम के अनुज और प्रिय भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की भी मूर्ति है। इसी के साथ इस मंदिर में मारुति नंदन बजरंग बली की भी अलग से मूर्ति है और उनकी मूर्ति के आगे अति प्राचीन खड़ाऊ भी है जिसको स्पर्श करके भक्त आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन सावन के पावन महीने में 1645 में स्थापित इस मंदिर की अलग ही छटा देखने को मिलती है। यहाँ बड़ी तादाद में महाकाल के भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक दूधाभिषेक और जलाभिषेक करते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनका उद्धार शिव शंकर भोलेनाथ करते हैं और यही वजह है कि लखनऊ के लाल कुआं भेड़ी मंडी में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ से हर खबर के लिए आनंद सिंह की रिपोर्ट।